हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। सलोन फैक्ट में गाइस आपका स्वागत है। गाइस आज मैं इस वीडियो में आपको स्मूथनिंग का पूरा ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्लाइंट का पहले हेयर टेक्सचर चेक करेंगे, जिससे हम पता कर सकें कि क्लाइंट के बालों पर कौन सी क्रीम का वेरियंट्स जा सकता है। तो क्लाइंट का टेक्सचर हम अच्छे से चेक कर लेंगे और एंड्स पर इनके बाल पहले प्री लाइटनिंग करे हुए हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, एंड्स पर वो कलर आ चुका है। गाइस अगर आपको हेयर ब्यूटी नेल्स मेकअप किसी भी तरह की सर्विस लेनी है या आपको कोई कोर्स करना है, तो प्लीज़ हमारे सैलून में आप विज़िट कीजिए। रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट, राखिस मेकओवर, ये हमारे सैलून का गाइस नाम है। और आज इस वीडियो में आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो गाइस आपको कोई भी कमेंट में क्वेश्चन पूछने की नीड नहीं होगी। और ये हमारे दीपक सर है गाइस, ये भी एक बार अच्छे से हेयर के टेक्सचर को चेक कर लेंगे। और अकॉर्डिंग टू टेक्सचर गाइस हमने 0 नंबर ग्लैड, जो कि सियोस्कॉफ का है, वो यूज़ करना है। क्योंकि गाइस जो क्लाइंट की जो न्यू ग्रोथ है वो सारी वर्जन है, और जो कलर है वो एंड्स पर आ गया है, उस पर भी हम क्रीम लगाने वाले हैं। किस तरीके से लगाएंगे वो भी वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये फर्स्ट क्रीम हम अच्छे से लगाएंगे गाइस, क्रीम आपको बहुत अच्छे से लगानी है, फाइन फाइन सेक्शन लेके क्रीम मैंने अच्छे से लगा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, आप भी देखिए, रूट से 0.5 या 1 सेंटीमीटर आपको छोड़ के लगाना है। और जो हम जो है ये 0.5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं गाइस, जब हम शैम्पू सेक्शन पे अच्छे से मल्सीफाई करते हैं ना वार्म वाटर से, वहाँ जो हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है वो बॉन्ड वहीं शैम्पू सेक्शन पे ब्रेक हो जाता है और आधा काम हमारा न्यूट्रलाइज़र कर देता है। ये अब हम फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद आफ्टर 20 मिनट्स और बॉन्ड चेक करेंगे। देखिए गाइस बॉन्ड स्पायरल सा हो रहा है, ये देखिए बालों में काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी आ चुकी है, इससे पता चल जाता है गाइस कि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। बॉन्ड ब्रेक के बाद गाइस हम शैम्पू सेक्शन पे ले आएंगे क्लाइंट को, और अच्छे से गाइस वाटर आपका थोड़ा हल्का वॉर्म होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो जैसे कि मैंने बताया, आप जो 0.5 सेंटीमीटर ग्रोथ छोड़ते हो ये गर्म पानी से, क्या होता है बालों में हीट जनरेट होती है और वहाँ का भी बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हो जाता है जो 0.5 सेंटीमीटर आप क्रीम में छोड़ते हो। कम से कम आपको 5 से 8 मिनट आपको अच्छे से मल्सीफाई करना है गाइस, काफ़ी अच्छे से मल्सीफाई करना है। वाटर ज़्यादा वॉर्म भी नहीं लेना है गाइस, आपको बिल्कुल मीडियम वॉर्म वाटर लेना है। और गाइस ध्यान रखना है आपको शैम्पू नहीं सिर्फ रिंस करना है। एंड गाइस अगर आपको हेयर केमिकल, ब्यूटी नेल्स मेकअप और इन सब का कोर्स या फिर सर्विस लेनी है, तो प्लीज़ आप रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर में विज़िट करिए। आपको पूरी दिल्ली में इतने रीजनेबल प्राइस में कोर्स और सर्विस कहीं नहीं मिलेगी गाइस, तो आप हमारे सैलून में विज़िट करिए। एंड गाइस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब करना है। और ये देखिए हमारा ब्लो ड्रायर भी कंप्लीट होने वाला है, आपको ब्लो ड्रायर एकदम अच्छे से नीट और क्लीन तरीके से करना है, ताकि आपको आयनिंग करते समय ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आयनिंग प्रॉपर अच्छे से भी हो जाती है अगर आपका ब्लो ड्रायर अच्छे से हो जाता है तो। ब्लो ड्रायर के जो फ्रंट के हेयर लाइन होती है, ये जो छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, इनको भी आप ब्लो ड्रायर में अच्छे से नीट करें। और ब्लो ड्रायर के बाद हमने आयनिंग शुरू कर दी है। आइनिंग में गाइस आप जितना फाइन सेक्शन रखेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है, और बहुत अच्छे से आपको करनी है आइनिंग, फाइन फाइन सेक्शन लेके करनी है और सेक्शन एकदम नीट निकालना है, कोई बाल रह ना जाए। कोई जो बेबी हेयर्स जो होते हैं आगे के हेयर लाइन के, उनको भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से आपको आइनिंग करनी है। Pull me back,
और ये हमारी आइनिंग कंप्लीट होने वाली है। बट टॉप एरिया पे हम पहुंच चुके हैं। ये हो गई गाइस हमारी आइनिंग कंप्लीट और क्लाइंट के बालों पर भी बहुत अच्छी शाइनिंग आ चुकी है। देखिए गाइस काफ़ी अच्छी शाइनिंग आई हुई है गाइस। देन अब हम लगाने वाले हैं न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र आप बाउल में निकाल लेंगे, जो कि सिरस्कॉफ का ही ले रखा है हमने, ग्लैड का। शुरू में आपको थोड़ा गाइस क्वांटिटी कम ही रखनी है ताकि आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा वेस्ट ना होए। अगर आपको लगता है नीड की और एक्स्ट्रा लगाने के लिए तो आप वापस दोबारा निकाल सकते हैं। ये हम लगाने वाले हैं न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र गाइस आपको बहुत ही अच्छे से लगानी है। क्लाइंट की नेक बिल्कुल भी मूव नहीं होनी चाहिए। अगर क्लाइंट की नेक मूव होती है तो बालों पे बैंड आने का चांस रहता है गाइस, और बहुत फाइन सेक्शन ले लेके लगाना है। जैसे जैसे आप न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन कंप्लीट करोगे वैसे वैसे आपके बालों पे अच्छे से कॉम करके एकदम स्ट्रेट लुक उन्हें दे देनी है। न्यूट्रलाइज़र बालों को अच्छे से फिक्स करता है गाइस, इसलिए आपको एक प्रॉपर टेक्सचर यही न्यूट्रलाइज़र देता है कि बालों की शेप कैसी होगी। इसलिए आपको बहुत ध्यान से आपको ये क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। ये देखिए जैसा कि हम न्यूट्रलाइज़र लगाते हुए जा रहे तो दोनों फिंगर से उसको शेप दे रहे हो, कॉम से भी शेप दे रहे हैं। देखिए एकदम, ये देखिए कॉम से एकदम नीट और फिनिशिंग दे रहे हैं एकदम स्ट्रेट टेक्सचर की। न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन हमारी देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस एप्लीकेशन में गाइस क्लाइंट की जो नेक है बिल्कुल भी मूव नहीं होनी चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं गाइस न्यूट्रलाइज़र की टाइमिंग मैक्सिमम 15 मिनट, मिनिमम 10 मिनट रहती है। और हम क्लाइंट के बालों को अच्छे से रिंस और देन हम 10 मिनट्स तक बालों में मास्क लगाएंगे। जो कि हमने गाइस हम वीडियो बनाई थी वो क्लिप मिस हो गई है, वो वीडियो में हम ऐड नहीं कर पाए। और ये था गाइस हमारा फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।